एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैंने कल रात व्लॉग अपलोड किया था, उसमें पता नहीं सुबह उठ के देखा, मुझे लगा अपलोड हो गया होगा, बट उसमें एरर आ रहा है, तो मैंने दोबारा अपलोड किया है। तो यानी उसको 11-12 बज जाएंगे। अभी मैं उठी हूँ और अभी मैं मम्मी को सब्जी दिला के आई। अभी मैं ब्रश करूँगी और नहाऊँगी, तो चलो नहा के मिलते हैं। तो मैं नहा ली हूँ और मैंने ब्रश भी कर लिया है, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या पहनूँ। इतने सारे कपड़े हैं और कुछ ढीले हो गए हैं, कुछ टाइट हो गए हैं, कुछ लूज हो गए हैं, किसी का रंग फेड हो गया है, किसी का कुछ हो गया है, किसी का कुछ हो गया है। तो अभी मैंने ये वाला टॉप पहना है और इसके नीचे एक ग्रीन पैंट, और ये लूज हो गई थी इसलिए मैंने इधर बेल्ट लगाई है। और ये मैंने हेयर स्टाइल बनाया है। तो अभी मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि कल मैंने छोटी बना रखी थी ना, इसलिए मेरे बाल ऐसे हो गए कल ही से। और अभी मैं मुंह धोऊंगी, मतलब मुंह ब्रश तो कर लिया मैंने, मुंह धोऊंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी खाना। तो चलो फटाफट खाना खाते हैं। अभी मैं पी रही हूँ पानी और ये एडिटिंग कर रही है और पढ़ भी रही है। पढ़ो, कौन सी क्वेश्चन छाट पूछी, कौन से कर रहे हैं, फिर छाट छूट कर फिर पढ़ूंगी। ठीक है, तो चलो हम फटाफट पानी पी लेते हैं। मेरा खाना नींबू का अचार, सब्जी, चाय, रोटी और पानी, मैंने इतना ही पिया, इतना और रहता है। अब क्या करूँ, इसको पीऊँ फिर रोटी खाऊँ? इसको फटाफट इसको पी लेती हूँ। और ये पढ़ रही है। कल का दिन कैसा गया? मजे आ गए, एक दिन तो होना चाहिए हफ्ते में ऐसा। तो अभी मैंने मुंह धोया है और मेरे को 2-3 घंटे हो गए खाना खाए हुए। और अभी मैंने सोचा मेकअप करते करते, मतलब थोड़ा सा, और मैंने सेटाफिल का जो क्लिंजर है वो यूज़ किया है। तो इतनी देर से मैं यूट्यूब पे न्यूज़ देख रही थी। एक तो मैंने देखा कि मणिपुर इज़ बर्निंग, वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, और दूसरा मैंने देखा कि द केरला स्टोरी कितनी ट्रू है, कितनी फेक है, क्योंकि कल मैं वो मूवी देख के आई थी। तो 3-4 वीडियोस में बताया जा रहा है कि वो सिर्फ 3 ही लड़कियों की स्टोरी थी। तो मेरा मानना ये है, चाहे 3 की हो, चाहे 2 की हो, चाहे 1 की हो, जब ये चीज़ें हो रही हैं तो गलत है, ऑब्वियस सी बात है। और तीसरा भी, मैं रेसलर्स, जो हमारे रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके बारे में देख रही थी कि वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। तो उसमें बताया जा रहा है जी, मतलब जो वो नेता जी हैं उनके ऊपर, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि उन्होंने एक मर्डर किया है। तो पता नहीं क्या हो रहा है यार अपने इंडिया में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो पहले मैं लगाऊंगी ये सनस्क्रीन, ये बहुत लाइट वेट है, बहुत नेचुरल है, बहुत प्यारी है। इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं कि मैंने कुछ चेपा अपने मुंह पे, इतने से लिए है। तो यही देख रही थी मणिपुर में क्या हो रहा है, फिर उनकी स्टोरी देख रही थी। तो ये सब देखते देखते मेरे को 3 घंटे लग गए। तो अवेयर रहना चाहिए हमारे इंडिया में, क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है। तो जो द केरला स्टोरी है, आई थिंक चाहे वो फेक हो या रियल हो, कुछ भी हो, लड़कियों को तो ज़रूर देखनी चाहिए कि कैसे लड़के आपको मैनिपुलेट करते हैं प्यार के झांसे में डाल के। अभी जैसे वो एक अपने इंडिया में भी न्यूज़ आई थी, एक लड़की को काट के उसके 36 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया था। तो ये सब चीज़ें देखो, पहला तो यही होता है कि अपने माँ बाप की सुनो। और आप बाहर पढ़ने जाते हो यार, मैं भी 3 साल पढ़ी हूँ, मैं कभी फालतू के लफड़ों में नहीं गई। हालांकि हमारे कॉलेज में या कहीं भी बहुत सारे बच्चे उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, तो ये आपके ऊपर है टोटली डिपेंड। अब जैसे उस मूवी में 3 लड़कियाँ थी, एक तो फंस गई थी उनके जाल में, उसने जो जो कहते गए वो करती गई। दूसरी जो लड़की थी वो, उसको पता चल गया था तो उसने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया था। तो उसने उसकी जो न्यूड वीडियोस, न्यूड फोटोज थी वो वायरल कर दी थी, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। तो दूसरी जो तीसरी थी वो तो इन चक्रों में पड़ी नहीं, क्योंकि उसका घर जैसे नज़दीक था तो अपने घर पर आती जाती रहती थी, तो इसलिए वो इन सब चक्रों से, ना तो उसने हिजाब पहना ना कुछ। तो ये चीज़ थी। अब वो भी तो लड़की ही थी ना यार, एक सोचने की बात है, उसको तो किसी ने मैनिपुलेट नहीं किया। और फिर उसके बाद, मतलब
वो जो जिसने सुसाइड की उसने अपने पापा को बोला कि पापा आप लोगों ने हमें कभी बताया नहीं धर्म के बारे में, अब ये जो बचा हुआ है इसको मैं यहाँ लगा लूंगा गालों पे। तो और एक चीज और, जो लड़का आपसे प्यार करेगा ना, जो लड़का आपसे ट्रू लव करेगा, वो आपसे कभी भी आपकी अश्लील फोटोज की डिमांड कभी नहीं करेगा, नेवर एवर। अगर वो कर रहा है ठीक है, अगर वो कर रहा है आपसे प्यार करता है आपको बिल्कुल बिल्कुल प्यार में पागल हो गए हो, आदत हो गई आपको, अब कह रहा है कि फोटो भेज वरना तेरा मेरा रिश्ता खत्म, एंड शी इज लाइक अब तो मैं मर जाऊंगी, तो बहन तू मरी जा बट तू अपनी फोटोज मत भेजियो। सच बता रही हूँ, लड़कियों को अपनी फोटोज नहीं भेजनी चाहिए, कोई लॉजिक ही नहीं है भाई, कोई लॉजिक ही नहीं है। अब जैसे इंस्टाग्राम पे भी कुछ सेलिब्रिटीज़ या कुछ इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस, स्टोरीज़ पता नहीं कुछ कुछ वायरल हो जाता है तो लोग उनको दबा के शेयर करते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। देखो उस लड़की ने तो कर दिया प्यार के उसमें आके या कुछ भी उसमें आके, अब आप लोग उस चीज़ को शेयर करके उसका मजाक बना रहे हो और अपने दोस्तों में शेयर करो कि देख इसने क्या किया। हर कोई दूध का दूल्हा नहीं होता, हर कोई सब कुछ हर काम करता है, तो अगर बस फर्क हो जाता है कि सेलिब्रिटी करता तो वो पूरी एक न्यूज़ सी बन जाती है और एक आम आदमी करता तो वो एक बंद कमरे में ही बंद हो जाती है। तो किसी की ऐसी फोटोज़ शेयर मत किया करो, हाँ आपके पास आ रही है तो देख के डिलीट कर दो बस, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती है। कुछ लड़के तो ब्लैकमेल करके शादी कर लेते हैं या फिर उसको सेक्सुअली अशॉल्ट करते रहते हैं, लाइफ टाइम तक ब्लैकमेल करते रहते हैं कि तुम उससे कर वरना मैं तेरे हस्बैंड को बता दूंगा, तुम उससे कर वरना मैं तेरे पेरेंट्स को बता दूंगा। तो आप अपने लिए अपनी ही क्यों वो खड़े कर रहे हो, अपने लिए ही क्यों, मतलब क्यों भेजनी यार फोटो, मुझे तो समझ नहीं आता फोटो भेजने से कौन सा टूर अलग हो जाता है। तो बहुत रॉन्ग चीज़ है ये, नहीं करनी चाहिए। अब कुछ इन्फ्लुएंसर्स कर देते हैं तो फिर जितने भी ऑडियंस है वो सोचते हैं कि हर इन्फ्लुएंसर ऐसा ही होगा या फिर हर सेलिब्रिटी भी ऐसा होगा, तो सबके माइंड में एक इमेज बन जाती है कि इसकी वीडियो कब वायरल होगी, इसकी वीडियो कब वायरल होगी। मतलब व्हाट नॉनसेंस, मैं मतलब लिटरली मेरे को सोच के हैरानी होती है कि फिर लोग लिटरली वेट करते हैं कि बहन तेरी वीडियो कब वायरल होगी। हर लड़की हर लड़का एक जैसा नहीं होता, तो प्लीज़ अगर किसी की वीडियो वायरल होती भी है तो उसको देख के डिलीट कर दो, आगे शेयर मत करो। देखो उसने तो कांड करना था कर दिया, अब इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस चीज़ को अपने तक ही रखे, किसी के आगे शेयर मत करो। तो बस यही बताना चाहती थी। तो अभी 2 बज गए हैं, खाना बनाते हैं फिर उसके बाद वीडियोस, या तो पहले वीडियोस बनाऊंगी या फिर खाना, चलो देखते हैं जैसा भी होता है। अभी मैं खा रही हूँ खीरे और इसमें नींबू और ये नमक डाला मैंने, और मम्मी बना रही है खाना। फोन की बैटरी कम हो गई है और अभी 3 बजे हैं, अभी मैं वीडियो बनाऊंगी प्रमोशंस की, तो छत पे जा रही हूँ तैयार होके, तो अभी मिलते हैं तैयार होके, फिर से यही कपड़े पहन लूँ। माई आउटफिट वाइट स्कल्ट या फ्रॉक, वाइट फ्रॉक और ये जैकेट ज़ारा से ली थी मैंने 3200 रुपये की, आई नो काफ़ी एक्सपेंसिव है बट काफ़ी यूनिक है। तो अभी मैं छत पे वीडियोस बनाऊंगी और पायल बना रही है बनाना शेक, फिर फटाफट इस ड्रेस को चेंज करके हम फिर से नॉर्मल कपड़े में आ जाएंगे, फिर हम जाएंगे पानीपत क्योंकि हम मौसी के पास जाने का प्लानिंग कर रही हैं। वो मेरा टिकी का होल्ड देख रहे हो, ठीक है पी रहे हैं बनाना शेक। इसको पी के हम छत पे जाएंगे, काफी ठंडा है। आप लोग भी पी लो गाइस, आप भी पी लो, सारे के सारे आ जाओ। किसा लग गया सूत्रा बने लिया, तो मम्मी भी पी रही है, सूत्रा ही बढ़ेगा, और ये भी पी रही है क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया था मैंगो शेक की जगह आप लोग बनाना शेक पिया करो। चलो मैं भी पी लेती हूँ। मम्मी दे रही है इनको पानी,
पेड़ पौधों को और हम बनाएंगे अब छत पे वीडियो। उस ड्रेस में वीडियोस बना ली हैं मैंने, ये वाली आउटफिट पहनी है, ये है और ये है, और अभी मैं जा रही हूँ पानीपत। तो हम पानीपत नहीं जा रहे क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, पता नहीं क्यों दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक तो फ़ोन में बैटरी नहीं है, ऊपर से 6 महीने से मेरा अकाउंट रुका पड़ा है, 80,000 फॉलोवर घटे हैं मेरे, मेरे बहुत जल्द 1.1 होने वाले थे, एक टाइम पे ग्लिच आया और एकदम पता नहीं क्या हो उस टाइम के बाद, ना वीडियो बनाने का मन करता है ना कुछ कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मतलब इतना रोना आ रहा है ना बहुत ज़्यादा यार, मतलब बंदा इतनी मेहनत करता है, मतलब फद्दू से फद्दू वीडियो ऐसे 50 मिलियन में दे देता है इंस्टाग्राम, और इतनी अच्छी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं उसमें कोई व्यूज़ नहीं कुछ नहीं, और फिर सब सोचते हैं कि फेक फॉलोअर हैं, फेक सब्सक्राइबर्स हैं, सब कुछ फेक है। अभी मैंने कपड़े चेंज किए हैं और साइकिल में हवा नहीं है, और कल से हम चैलेंज करेंगे वो 21 डे चैलेंज का, एक बार डायरी दी। तो अभी साइकिलों में भी हवा नहीं है, 8,000 की साइकिल लेके आए थे, जिंदगी में हवा नहीं है साइकिल में हवा नहीं है। तो ये मैंने कुछ रेसिपीज भी लिखी थी कि मन भर जाता है कई बार खाना खाने से, तो कुछ यूनिक चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, बट कल से करेंगे हम 21 डे चैलेंज हमारा कल से स्टार्ट होगा। ओके, और इसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी कि सिंग तो पहली चीज़ मैंने ये लिखी थी कि हर चीज़ होने के पीछे एक कारण होता है, मतलब आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक रीज़न है, किसी भी स्थिति में कभी हार मत मानो। अभी मैं शायद डिमोटिवेट हूँ बट मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, मैं हार नहीं मान रही। तीसरा है कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी हमेशा विनम्र रहे, यानी कि मान लो मेरे 1 मिलियन फॉलोअर है, लोग मुझे जानते हैं और मैं ऐसे हो जाऊँ कि मैं ही हूँ बस और कोई नहीं है, मुझसे भी बड़े बड़े साहकार बहुत बड़े बड़े आदमी बैठे हैं, औरतें बैठी हैं जो IAS हैं और बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं। तो कहने का अर्थ आती ये है कि कभी भी घमंड ना करें, इन केस अगर आप IAS भी लग जाते हैं तो आप ऐसे हो जाएं बस मैं ही हूँ, तो वो चीज़ भी गलत है, मतलब नॉर्मल रहो जैसे हो वैसे ही रहो, थोड़ा बहुत रखो वो भी उनके सामने, जो जैसा है उसके साथ वैसा हो जाओ बस, जो आपको इज्जत दे आप उसको इज्जत दो, जो आपको इज्जत ना दे आप उसको भी सेम ऐसा करो उसके साथ। चौथा मैंने लिखा था कि जीवन को पूर्णता से जीने की चाबी सिर्फ आत्म नियंत्रण है, और पांचवा लिखा था दूसरों के लिए अच्छा करना कभी बंद ना करें। मार्केट में और मैं कपड़ों में आ गई, सो दिस इज अ मार्केट। तो भी मैं ये वाली आइसक्रीम खा रही हूँ, वो ज्यादा बर्फीला होता है, मतलब आज मैंने रैप खाया, वेज रैप, पिज्जा।
पिज्जा और कल मैंने फ्राइड राइस वगैरह थे, लास्ट दिन वो दिन थे मैंने जी बर्गर खा लिया। अब 21 दिन के लिए हम कुछ नहीं खाएंगे। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, बाय बाय डोमिनो, लास्ट टाइम देख रही हूँ तुम्हें, लास्ट टाइम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब आज के बाद मैं पिज़्ज़ा बर्गर रैप कुछ भी नहीं खाऊंगी। दिस इज़ माय लास्ट डे ऑफ फास्ट फूड एंड अब इसके बाद तो कुछ नहीं खाना मेरे को, तो चलो अब गोलगप्पे और खा लेते हैं। आज के बाद हम फास्ट फूड नहीं खाएंगे, 21 दिन तक तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। Guys, that's for this week. Bye bye. Love you all. Take care. I hope आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। Okay, bye.